हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सवी किचन एंड व्लॉग। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एब्जॉस है और ये पूरी तरह से जो है तेल इसमें चिपक गया था। जो किचन में खाना वगैरह बनाते हैं वो पूरी तरह से चिपक गया था। मैंने इसको ट्राई किया था, मिट्टी तेल लगाया था। पिछले बार जब ऐसा हुआ था तब मैंने इसको मिट्टी तेल से साफ किया था लेकिन वो नहीं हो पाया था। दोस्तों इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था कि यहाँ पे पूरा तेल का जो चिपचिपा होता है पूरा फैन को ख़राब कर चुका था। लेकिन इस बार मुझे कुछ दूसरा चीज़ मिला है। पिछले बार का तो फैन मैं फेंक दिया और इस बार मैं इसको फेंकने वाला था, लेकिन मेरे पड़ोसी यहाँ पे मुझे बताएं कि ये केमिकल आता है जो बहुत बढ़िया है, आप उसका यूज़ करके देखिए। तो देखिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैं स्टार्टिंग पे वीडियो नहीं बना पाया था। देखिए आप यहाँ का हालत देख सकते हैं, ये जो एरिया है इस तरह से पूरी तरह से हो चुका था और अब देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया। आप मिट्टी तेल से भी करते हैं तो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाता, थीनर से भी करते हो तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कितना अच्छा साफ हुआ है। देखिए इसको अगर मैं निकाल के करता तो और ज़्यादा अच्छा हो पाता, लेकिन यहाँ इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे फिर से तार को बांधना वगैरह बहुत झंझट वाला काम है, इसलिए मैं ये सब निकाला नहीं हूँ और यहीं से साफ कर दिया हूँ और आगे जाकर भी मैं उसको वहाँ से साफ करूँगा। देखिए इतना तेल मतलब पूरी तरह से गिर चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा ये प्लान था कि इसको इसको फिर से फेंक देते हैं, दूसरा एब्जॉस्ट लगाते हैं तो आपको 1000 रुपये तक खर्चा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस केमिकल का, जिस केमिकल का मैंने यूज़ किया हूँ वो केमिकल के बारे में आपको आगे दिखाऊंगा। वीडियो हमारे साथ पूरा बने रही, मैं आगे भी अभी इसका साफ कर लेता हूँ फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखिए कितना क्लीन साफ हुआ है और मैं आगे आपको उस केमिकल के बारे में भी बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए दूसरा छोर है जहाँ पे एब्जॉस्ट लगा हुआ है, यहाँ का भी हालत आप देख सकते हैं। पूरा तेल यहाँ पे गिरने लग गया था और ये जो जाली बना हुआ है पूरा चिपचिपा हो गया है और पूरी तरह से यहाँ पे देखिए पूरा मतलब एयर भी यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है। देखिए पूरी तरह से जम चुका है, तो इसको मैं पूरी तरह से अभी इसको भी निकाल के साफ करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने केमिकल को डाल लिया है, बस इसको स्प्रे करना है ऐसे 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 जितना हो सके और इसको बस ऐसे घिसना है, पंखे को आपको ऐसे साफ करना है तो इससे ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। पहले आपने इसका हाल देखा था और अब इसका हाल आप देख सकते हैं, अब अच्छी से आसानी से यहाँ से एयर पास हो जाएगा। केमिकल का नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। आपको पंखा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, एब्जॉस्ट फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये परचेज करना है। तो ये तो मुझे पड़ोस ने दिया है लेकिन मैं इसको ढूंढूंगा, अगर अमेजोन पर मिल जाता है तो वो सबके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको निकाल दिया जाली को और देखिए यहाँ पे थोड़ा पास लाके दिखाइए कितना जम चुका है। ये निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है यार, मिट्टी तेल पे डालो तो ये जो तेल का जो चिपचिपा है वो निकलता नहीं है। तो बस ये स्प्रे है, इसको डालना है ऐसे इस तरह से जितना हो सके। ठीक है, इधर लकड़ी का जो एरिया है उसमें भी फ्रेम है उसमें भी ऐसे कर देते हैं और उसके बाद इसको सूखे कपड़े से साफ करना है। ये देखिए पूरा साफ हो रहा है, क्लीन। एक कपड़ा ही इतना गंदा हो चुका है, दूसरा कपड़ा यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज कर लूँ। ओके, बस इसको साफ करते जाना है और ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। थोड़ा और स्प्रे, गीलापन जो है गीलापन बना रहे। और बस इसी तरह से इसे साफ करते जाना है। रिजल्ट आपके सामने है, देख रहे हैं किस तरह से कितनी आसानी से साफ हो रहा है। तो आपने देखा किस तरह से कितना अच्छे से सफाई हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है। और ये है वो प्रोडक्ट जिससे सफाई हुआ, ये एक
पैक है जो पैकिंग था, और इसमें जो केमिकल था उसको हमने इस डब्बे पे डाला और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हिलाने के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको स्प्रे करना है। इसका एक्चुअली अलग से एक प्रोडक्ट पूरा पैकिंग आता है और उसके साथ ये चार ये एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसा एक स्प्रे आता है बड़ा सा और ये चार ऐसा मिलता है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आप नया ख़रीदते हैं तो। दोस्तों मैंने अमेज़ोन पे देखा लेकिन अभी ये करेंटली अवेलेबल नहीं है। आप ये नाम याद रखिए, इनवाइसेबल। तो ये आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से आप मिल सक आपको मिल सकता है, या फिर आप अपने लोकल मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं इस नाम का प्रोडक्ट, तो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है और बहुत ही कारगर साबित हुआ है, बहुत अच्छे से सफाई हुआ है इसे। तो एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मुझे अच्छा लगा कि ऐसी दिक्कतें बहुत लोगों की आती होगी तो चलिए इस पे वीडियो बनाया जाए करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।